हाँ तो भाई फाइनली लगभग एक साल के बाद मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर अगर आप भाई बीजेएमआई के अंदर रैंक पुशिंग करने का सोच रहे हो या फिर भाई आपने ऑलरेडी बीजेएमआई के अंदर रैंक पुशिंग स्टार्ट कर दी तो भाई वो कौन से की पॉइंट्स होने वाले या फिर वो कौन से डेडली पॉइंट्स होने वाले जिनको आप यूज करके केवल 7 दिनों के अंदर कॉन्क्रीट टच कर सकते हो और वो भी तब जब बीजेएमआई के अंदर आपको एक टाइम लिमिट दे रखी है 6 घंटों की। भाई एक दिन में आप बीजेएमआई को केवल 6 घंटे ही खेल सकते हो तो आप इन 6 घंटों को कैसे मैक्सिमम यूज कर सकते हो और क्या आप इन 6 घंटों को की ट्रिक लगा के बढ़ा भी सकते हो ये भी मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और इसी के साथ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि भाई आपको कितने पॉइंट्स के अंदर कॉन्करर मिल जाएगा क्योंकि भाई इस बार आपको काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। साथ में आपको काफी बढ़िया खेलना पड़ेगा इस बार कॉन्करर लेने के लिए क्योंकि भाई आपको केवल टाइम लिमिट में 6 घंटे ही देखने को मिले हैं क्योंकि भाई इस बार आपको कोई एक ऐसा स्पेशल मोड भी देखने को नहीं मिला, कोई नया मोड आपको देखने को नहीं मिला जिसके अंदर आपको रिकॉल टावर देखने को मिल जाए या फिर आपको एक नया हॉट ड्रॉप देखने को मिल जाए जहां पर जाते भाई आपको लूट वगैरह मिल जाए, किल्स वगैरह मिल जाए जिससे आप अपनी केडी वगैरह भी मेंटेन कर सको। तो भाई इस बार आपको ये कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी को एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे आप केवल 7 दिनों में कॉन्करर टच कर सकते हो। तो भाई वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, मैं आपको सब्सक्राइब करने का बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा लेकिन वीडियो को भाई लास्ट तक जरूर देख लेना और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि भाई 4 जून को यानी कि कल संडे को हम 2 बजे एक टूर्नामेंट या फिर एक कस्टम मैच रखने वाले हैं। मैच भाई सोलो के अंदर इरेंगल होने वाला है, जो भी वो मैच जीतेगा उसको रॉयल पास फ्री में देखने को मिल जाएगा। इस कस्टम मैच से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, रूम आईडी पासवर्ड वगैरह होंगे सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बताने वाला हूं और साथ में गिव अवे से रिलेटेड जो भी अपडेट वगैरह होगी, इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा या फिर अभी तक बता भी दिया होगा। तो भाई अगर आपको यूसी या फिर रॉयल पास वगैरह जीतना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं बची हुई इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी बात कर लेते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में कि भाई 7 दिनों के अंदर आप कॉन्करर टच कैसे कर सकते हो, स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। तो देखो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि भाई अगर आप इस टाइम कॉन्करर रैंक पुशिंग की सोच रहे हो तो भाई सबसे बेटर जो रहेगा वो मेरे हिसाब से सोलो रहेगा, उसके बाद डुओ रहेगा, देन उसके बाद स्क्वाड आता है क्योंकि भाई कंपैरेटिवली स्क्वाड थोड़ी सी ज्यादा हार्ड होती है, वहां पर आपको ज्यादा पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कॉन्करर के लिए। तो मेरा ओपिनियन रहेगा कि भाई अगर आप सोच रहे हो तो आप सोलो में या फिर डुओ में कॉन्करर पुश कर सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि भाई आप किस में रैंक पुशिंग करना प्रीफर करते हो, सोलो डुओ या फिर स्क्वाड के अंदर। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भाई मैं आप सभी को बता दूं कि चाहे से आप कोई से भी टीयर में हो, डायमंड में हो या फिर प्लेटिनम में हो, और साथ में अगर आप सोचो कि भाई लोअर टीयर के अंदर हम थोड़ा रश खेल लेते हैं उसके बाद हम सेफ एंड सिक्योर खेल लेंगे, तो मैं आप सभी को बता दूं कि भाई शायद इस टाइम ये वाली स्ट्रेटेजी काम नहीं करे क्योंकि भाई इसका जो मेन रीजन है वो ये कि भाई बीजेएमआई के अंदर टाइम लिमिट लगा दी गई है 6 घंटों की। इसके अंदर आप नहीं चाहते कि भाई आप थोड़ा सा खेलो उसके बाद आप लॉबी में आ जाओ और जहां पे आपको प्लस के 30-35 चाहिए थे वहां पर आप माइनस में लेकर फिर से लॉबी में आ जाओ और आपका टाइम और वेस्ट हो जाए। तो भाई मेरे हिसाब से आप कोई से भी टीयर में हो, लोअर टीयर से जहां पे आप स्टार्टिंग कर रहे हो वहीं से आपको स्लो एंड स्टडी खेलना है, लास्ट तक सर्वाइव करना है। और रही बात की अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे कॉन्करर तो पुश करना ही है, साथ में मेरी केडी भी मेंटेन रहनी चाहिए 3-4 के आसपास की, तो मैं आप सभी को बता दूं इस टाइम भाई आप किल्स वगैरह की मत सोचो, आप रैंक पुश करने की सोचो। अगर आपको लास्ट जोन के अंदर बंदे दिखते तो वहां पर आप सर्वाइव करके उनको किल करो। तो भाई ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट कि भाई आप चाहे से कोई सी भी टीयर में आपको स्लो एंड स्टडी सर्वाइव करके खेलना है, ना कि स्टार्टिंग में ही रश खेलना है। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो इसके अंदर मैं आप सभी को बता दूं कि भाई चाहे से आप कोई सा भी मैच खेल रहे हो आपको ट्राई करना है कि भाई आप जितना मैक्सिमम पॉइंट्स ले सकते हो उस मैच के अंदर उतना आपको प्लस में पॉइंट्स लेना है, यानी कि आपको ट्राई करना है कि भाई जितना प्लस में आप जा सकते हो उतना जाना है, आपको माइनस बिल्कुल भी नहीं लेना है। और ये बात याद रखना कि भाई जो 6 घंटे आपके पास है सामने वाले बंदे के पास भी उतने ही 6 घंटे हैं। अब जो बंदा उस लिमिटेड टाइम का सही से यूज करेगा, जितने ज्यादा होगा प्लस में मैच खेलेगा भाई, उसको जल्दी से जल्दी कॉन्करर देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस से बताऊं तो भाई आपको 6 घंटे लगातार तो गेम को कभी नहीं खेलना है, आपको अपने बीजेएमआई को 2-2 घंटे करके खेलना है, यानी कि 2 घंटे खेलो उसके बाद अपने फोन को या तो चार्ज पे लगा दो या फिर अपने आपको थोड़ा सा टाइम दो, 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे तक का आपको ब्रेक लेना है, उसके बाद फिर से आपको 2 घंटे खेलना है, देन उसके बाद भी आपको फिर से ब्रेक लेना है। उसके अंदर आपको पॉइंट्स के क्राइटेरिया को पूरा करना है, यानी कि दिन की स्टार्टिंग में जो आपने क्राइटेरिया रखा था कि भाई पूरे दिन में मैं इतने प्लस में पॉइंट्स करूंगा, उसको पूरा करने के हिसाब से आपको लास्ट के 2 घंटे को खेलना है। ओके, तो अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसके बिना अगर आप कॉन्करर पुश करने की सोच रहे हो तो भाई मेरे हिसाब से तो आप कॉन्करर पुश नहीं कर पाओगे क्योंकि भाई वो नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए। और जो लास्ट में मैं आप सभी को पॉइंट्स बताने वाला हूं वो तो आपके लिए एक तरीके से डेडली पॉइंट्स होंगे, उनको फॉलो करो और कॉन्करर पुश कर लो। पॉइंट नंबर पहला है कि भाई जरूरी नहीं है कि आपको जो लास्ट जोन देखने को मिलने वाला है उसके अंदर आपको कवर मिले, यानी कि पेड़ मिले या फिर पत्थर मिले, हो सकता है लास्ट जोन पूरे खाली मैदान में बने और आपके पास कोई भी कवर नहीं हो। इसके लिए भाई आपके पास हमेशा स्मोक ग्रेनेड होने चाहिए, मिनिमम 5 तो मेरे हिसाब से आपके पास स्मोक ग्रेनेड होनी चाहिए। इसके बाद मैं आप सभी को बता दूं कि भाई स्टार्टिंग में आपको फाइट बिल्कुल भी नहीं लेनी है, लास्ट के जो 2 जोन बनते हैं उसके अंदर आपको स्टार्ट करना है भाई फाइट लेना, किल्स वगैरह लेना, ताकि आपकी केडी थोड़ी बहुत मेंटेन रहे। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि भाई काफी लोग ये गलती करते हैं, भाई जोन जैसे ही बनता है वो अपने सेंटर में जाके जो बिल्डिंग होती है उसको कवर में ले लेते हैं, उसको पूरा कब्जा कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जोन के जो सेंटर में घर वगैरह होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा खतरा होता है, तो आपको उससे बचना है, आपको जोन के एकदम एज पे रहना है। अगर आप सर्वाइव करने का सोच रहे हो तो भाई जोन के एज में अगर आप रहोगे, यानी कि जोन के एकदम कोने में अगर आप रहोगे तो भाई आप ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव कर सकते हो, जैसे अगला जोन बनता है आपको उसके एज पे चले जाना है। इसके बाद अगर हम बात करें एक और पॉइंट के बारे में जो कि मुझे आप सभी को सबसे पहले बताना चाहिए था, एंड वो ये कि भाई आपको एक परफेक्ट लैंडिंग लोकेशन ढूंढनी है। जो लोकेशन आप चूज करने वाले हो भाई वो हॉट ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह
एरिया होने चाहिए जहाँ पे बहुत कम बंदे उतरते हैं। ये तो बेसिकली आप सभी को पता ही होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। तो इसके अंदर मैं आप सभी को बता दूं कि भाई जोन जैसे खत्म होने वाला होता है, यानी कि लास्ट जोन अगर बचा होता है तो भाई आपको फाइट इनिशिएट नहीं करनी है, ना ही अपनी लोकेशन को रिवील करना है एनिमीज को। जितना हो सके भाई ट्राई करो सामने वाले बंदे की, यानी कि सामने वाले एनिमीज की लोकेशन एक्सपोज हो। जिस बंदे की सबसे लास्ट तक लोकेशन सीक्रेट रहती है भाई उसके पास काफी बड़ा एक एडवांटेज होता है। बाकी आप सभी समझदार होंगे। कहने का मतलब ये कि भाई लास्ट जोन के अंदर आपको एग्रेसिव नहीं खेलना है, वहां पर भी आपको थोड़ा डिफेंड करके खेलना है। डिफेंड से मेरा मतलब है कि भाई लास्ट तक आपको अपनी लोकेशन को एक्सपोज नहीं करना है। बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो भाई इस पॉइंट के अंदर मैं आप सभी को बता दूं भाई आपको अपने स्क्वाड के पास या फिर आपके खुद के पास कम से कम दो व्हीकल आपको रखने हैं। अगर आप सोलो खेल रहे हो तो भाई बात अलग है, आपको एक ही आप रख सकते हो। लेकिन अगर आप स्क्वाड के साथ या डुओ के साथ खेल रहे हो तो भाई आपको मिनिमम दो तो व्हीकल रखने ही है। बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो भाई ये पॉइंट मैं आप सभी को बता बता के थक गया कि भाई कोई से भी रैंडम बंदे के साथ आपको गेम नहीं खेलना। आपको एक परफेक्ट टीम बनानी है अपनी, और वो टीम ऐसी बनाओ जो भाई आपके साथ हमेशा रहे, आपके साथ हमेशा कॉन्करेंट रैंक पुश करे या फिर रैंक पुशिंग में आपके साथ मदद करे। और बाय चांस अगर आप ऐसी टीम नहीं बना सकते तो भाई कोई बात नहीं, सोलो के अंदर या फिर डुओ के अंदर अगर आपके पास कोई एक बंदा है तो भाई डुओ के अंदर आप कॉन्करेंट रैंक पुश कर सकते हो। बाकी बात करें हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि भाई कोई सा भी मैच लगाने से पहले, क्लासिक मैच लगाने से पहले आपको एक छोटा सा टीडीएम मैच खेल लेना है। उससे आपका एक तरीके से वार्म अप हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी कि भाई मूवमेंट आज सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं, यानी कि आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी लास्ट एक और मैं आप सभी को बता दूं कि भाई आपको एक कोई सी भी एक गन को मास्टर कर लेना है, यानी कि चाहे आप M4 को करो या फिर किसी भी गन को अगर आप चाहो तो भाई मास्टर कर सकते हो। कोई सा भी एक पर्टिकुलर स्कोप ले लो और फिर बाकी भाई बंदों के धागे खोल दो। बाकी मैं आप सभी को बता दूं भाई 2 जून से, यानी कि कल से ये सीजन स्टार्ट हो गया, और भाई ये सीजन चलने वाला है 21 अगस्त तक। तो भाई काफी ज्यादा टाइम है, अगर आप चाहते हो स्टार्टिंग में कॉन्करर करना तो भाई अभी आप कर सकते हो, नहीं तो भाई अगर आप चाहो तो सीजन के एंड होते होते भी आप कॉन्करर रैंक पुश कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और भाई आपकी टीम के सारे मेंबर्स के साथ यानी कि स्क्वाड मेंबर्स के साथ सभी के साथ ये वाली वीडियो को शेयर कर दो। और वीडियो को अगर आप यहां तक देख रहे हो तो भाई आपको 2 चीजें कमेंट करनी है। पहले तो आपको गैलेक्स और लाल दिल साथ में कमेंट करना है, और इसके अलावा आपको अपने टीममेट के भी नाम लिखने कमेंट सेक्शन में, तो भाई लिख दो। बाकी अगर आपको रॉयल पास की गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो भाई मेरा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके देन मैं मिलूंगा नेक्स्ट किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।